बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की है और आगे भी नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बावजूद इसके कई स्कूल बदहाली के कागार पर हैं। गोराडी प्रखंड के घोराहा प्राथमिक विद्यालय सिर्फ एक शिक्षक के सहारे चलता है। इस विद्यालय में 2014 से एक ही शिक्षक की नियुक्ति हुई है। उन्हीं पर इस स्कूल की जिम्मेदारी है। 160 बच्चों को शिक्षित करने का जिम्मा वो अकेले उठा रहे हैं। यही नहीं, यहाँ बदहाली का आलम यह है कि एक कमरे में और बरामदे में पहली से पांचवी तक की क्लास चलती है। भवन भी काफी जर्जर हालत में है, जिसको देखकर आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि हादसा कभी भी हो सकता है। पांचवा क्लास में। और कौन कौन क्लास का बच्चा साथ में पढ़ता है? चौथा, तीसरा, पहला, दूसरा। पहला, दूसरा। पर सर पढ़ाते हैं, कुछ समझ में आता है? हाँ। क्या सर? क्या बनना चाहती हो? क्या बनना चाहती हो? प्राथमिक विद्यालय है, एक से पांचवी तक की पढ़ाई होती है। एक शिक्षक के भरोसे कैसे चल रहा है? स्कूल समूह में पढ़ाते हैं सर, सभी को। दिक्कत तो होती होगी? दिक्कत तो पूरा है, बैठने का दिक्कत है, पहले बहुत ज्यादा। नहीं नहीं, मेरा एक शिक्षक के कारण जी। और कभी तबीयत खराब हो जाए, अवकाश लेना, तो फिर विद्यालय कैसे संचालित होता है? तबीयत खराब हो सर या कुछ, हमको स्कूल खोलना ही पड़ता है हालत में, और स्कूल आना ही पड़ता है। कई बार ऐसा भी हुआ है कि मेरा तबीयत बुखार यहीं डॉक्टर को दवाई देता है, यहीं विद्यार्थी के साथ। विभाग को इसकी सूचना दिए हैं? विभाग तो बार बार चेकिंग में आते हैं, और हम भी अप्लीकेशन दे के दरखास्त दे के देते हैं। कितने दिन से ऐसी स्थिति है? ऐसे तो हम सर 2014 से देख रहे हैं। 2014 से ही एक शिक्षक, एकल शिक्षक है सर। भवन पूरी तरह से जर्जर है, कब से ऐसा है? शुरू से है सर, मैंने 2014 से ही इस तरह, हम जब से लिए हैं परिवार, उसी समय से भवन इसी तरह है। तो अभी इस विद्यालय में कितने कमरे हैं? विद्यालय में से तीन कमरे हैं, तीन कमरे में दो कमरे जर्जर अवस्था में, एक जो आधा भी जर्जर, उसमें पढ़ा रहे हैं। एक ही वो भी जर्जर? हाँ, जर्जर है। एक बरंडा भी एकदम फर्श एकदम चूर हो गया है। ये रसोई घर? रसोई घर तो कोरोना के काल जो आंधी वही थी, कौन झंझावत, उसी में सब उड़ के खत्म हो गए हैं। तो इसकी सूचना आपने लिखित दी है विभाग को? जी सर जी, दिए हैं। MDM प्रभारी को भी दिए हैं, एसी को, संतोष कुमार को। तो ये तो मजबूरी बस, तो बरामदे पे बच्चे को पढ़ा रहे हैं। और समय पर यही होता है कि सर, हम समय पर अप्लीकेशन, स्कूल छोड़ के कहीं जाना नहीं पड़ता है। समय पर स्कूल आते हैं, समय पर जाते हैं, बस समय मेरा लॉस हो जाता है, क्योंकि नहीं जा पाते हैं। भागलपुर से देशवा न्यूज के लिए अजय की रिपोर्ट।